क्विकली टेल मी ओके सो स्टूडेंट भी आ चुके हैं सारे के सारे बच्चे पिछले क्लास में जो भी बच्चे पर थे, से एक बता दो, that we present. जो बच्चे नए आए हैं आई वॉन्ट योर मैसेजेस इन द चार्ट सेक्शन टेलिंग मी ये मैम वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द क्लास प्लीज टेल मी मैं वेट कर रही हूँ बच्चों जल्दी से बताइए ओके ग्रेट सो इन टुडे सेशन हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने जो पिछले क्लास में कवर अप किया था वो था हमारा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी पोर्शन और आज जो हम कवर करने वाले हैं यहां से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं ऑथेंटिकली कि क्या क्या किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या क्या किंगडम्स होते हैं ठीक है तो हम लोग सारे के सारे जो किंगडम्स हमारे हैं जैसे कि किंगडम मोनेरा हो गया प्रोटेस्टा हो गया फनजाए ये सब अब पढ़ना चालू करेंगे इज दैट फाइन इनफ इज दट फाइन इनअ ओके ग्रेट टू सीट टू सी ऑल अगेन मोस्ट वेलकम इन class. वेरी नाइस ग्रेट ठीक है पिछले क्लास में हमने क्लास के एंड में काफी सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे क्या आप लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज भी हम लोग काफी दे दे सारे क्वेश्चंस लगाएंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास यस और ग्रेट चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुपर एक्साइटेड बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग के साथ में मिलकर वापस से पढ़ाकर ओके okay, चलो बच्चों वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सो लेट स्टार्ट ठीक है हम शुरू करते हैं तो आज की क्लास में मैं पहले आपको यह बता देती हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वी विल बी स्टार्टिंग विदेरी फर्स्ट किंगडम कौन सा होता है वेरी फर्स्ट किंगडम ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एवरीबडी नोज नाउ ठीक है फटाफट बताओ कौन सा होता है हमारा फर्स्ट किंगडम जो कि हम पढ़ना चालू करेंगे आज दैट विल बी अदर देन किंगडम किंगडम दैट विल मोनेरा जो कि हमें नजर नहीं आते हैं वो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू वॉच देम इट ठीक है अगर मैं आपसे ये पूछती हूं बच्चा लोग कि क्या आप लोगों ने कभी भी ऐसा महसूस किया है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं आर वी एबल टू फील देयर प्रेजेंस एवर हम ह्यूमन की बात करें तो क्या हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं अगर ये तो उनका नाम क्या है और वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं बताओ बच्चों कहां पर प्रेजेंट होते हैं ढेर सारे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं कहां पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में यस इट विल बी प्रेजेंट इन साइड दाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, the bacteria is named as e. coli. है ना इकोलाय e. नाम का बैक्टीरिया हमारे अंदर भी मौजूद रहता है और कितना होगा नंबर में हम गिनती नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी इन मिलियंस इज इंटेड तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर भी रह रहे हैं अरे मैं क्या देख पा रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहां पर पढ़ रहे हैं उन सबके आसपास में बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं मुझे ऐसा है तुम लोग अपने आसपास में देखो क्या तुम जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर और भी बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास में बैठे हुए हैं यस यस दे आर सिटिंग और ये जो लोग तुम्हारे में बैठे हुए हैं तुमको दिख नहीं रहे हैं ये है बैक्टीरियाज तो बैक्टीरियाज हमें सराउंड करते हैं एटमोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं क्या आपने कभी बैक्टीरिया खाया है एवर एनी बच्चों क्या आपने कभी बैक्टीरिया खाया है जल्दी बता दो यार तो मैंने तो बहुत सारे बैक्टीरिया खाए हैं तुमने भी खाया होगा और वो है इन द फॉर्म ऑफ कर्ड हम कई बार बैक्टीरिया डिराइव प्रोडक्ट्स भी खाते हैं लाइक चीज ठीक है तो ये चीजें क्या है ये सारे चीजों में हम ये समझ पा रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत डेंजरस नहीं साउंड कर रहे अभी राइट नाउ मेरी बातों से कि हम बैक्टीरियाज खा भी पा रहे हैं हमारी बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट भी है मतलब हमें हार्म नहीं पहुंचा रहे लेकिन क्या सारे बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं नहीं बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत डेंजरस भी होते हैं और वो डेंजरस इस सेंस में होते हैं कि हमें कोई डिजीज भी कॉज कर सकते हैं तो हम आज जितने भी सारे टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनके बेसिक मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने वाले हैं ओके यस ब्रेड में भी खाया है ग्रेट लैक्टोबेसिलस वेरी नाइस ठीक है लैक्टोबेसिलस तुमने तो कभी वो एडवर्टीजमेंट सुना है जिसमें शिल्पा शेट्टी आती है और वो एक बॉटल दिखाती है व्हाइट कलर की एंड वो डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाली होती है किसी को पता है वो प्रोडक्ट का नाम क्या है वो प्रोडक्ट शायद से याकोट कहलाता है याकोट इज अगेन काइंड ऑफ प्रोबायोटिक मतलब बच्चों लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए बैक्टीरियाज ऊपर से खाते भी हैं ठीक है तो मतलब बैक्टीरियाज आर यूजफुल एज वेल एज देर डेंजरसो दे विल वॉचिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इट ठीक है यस वेरी गुड हाँ जी बिल्कुल करेक्ट तो शुरू करते हैं हम लोग उसके पहले जब मैं आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूं आई वुड बी रिक्वेस्टिंग ईच एंड ऑफ यू ऑल कि हम लोग मिलने वाले हैं वेदांत तो नीट वेट मेडिजी पे तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग एवरी वन टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फोरगेट टू लाइक माई वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट सेशन ठीक है चलो शुरू करते हैं हम लोग तो किंगडम मोनेरा मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ ठीक है तो बच्चों अभी मैं आपसे कुछ डायग्राम के कुछ बातें करूंगी फिर हम उसको एनसीआर से रीड भी करेंगे पहले पूरा को इमेजिनेशन करते करते हैं हैं समझने की ट्राई एग्री सभी लोग तैयार क्या सभी लोग तैयार है इस जर्नी में जहां पर हम बेक्टीरिया के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे बाई दिस लेक्चर आपको बेक्टीरिया के ऊपर किंगडम मोनेरा के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो सारी की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में छप चुकी होगी इट विल बी इम्प्रिंटेड इन साइड ठीक है बच्चों अगर आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे से तो आप बोल सकते हो मैं ज्यादा हिंदी में कम्युनिकेट करने के लिए भी ओके okay हूं क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ ठीक है आप बता देना मुझे बीच में है ना चलो ग्रेट सो विड विद अ वेरी गुड एनर्जी एंड गुड एंथम लेट स्टार्ट विद किंगडम मुनेरा तो यहां पर मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ पहली इमेज आपको दिख रही है ये वाली ये कुछ बहुत सुंदर सा ग्रीन ग्रीन उसके आसपास में येलो येलो उसके आसपास में ऑरेंज ऑरेंज से नजर आ रहा है इट ये जो है ये है एक हॉट स्प्रिंग इतना टेम्परेचर है इसमें कि आम इंसान आम इंसान इसमें जल जाएगा लेकिन ऐसे हाई टेम्परेचर के हॉट सल्फर स्प्रिंग्स या हॉट स्प्रिंग्स में कई सारे बैक्टीरिया आराम से सरवाइव कर रहे होते हैं इसका क्या मतलब हो गया क्या मैं ये बोल सकती हूं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ही हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत हाई टेम्परेचर पे भी आराम से जिंदा रहने में सक्षम है इज इट है ना तो क्या बात हो गई यार ये ये बात ये हो गई कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन कर सकते हैं सारे नहीं कुछ ठीक है नॉट ऑल बट फ्यू सेकेंड हम क्या देख रहे हैं एक टाइप का बैक्टीरिया है विब्रियो किसी ह्यूमन ऐसा बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज करेगा ठीक है जब भी ह्यूमन की बॉडी में आ जाएगा तो इट विल बी कॉजिंग डिजीज कॉलस कोलेरा ठीक है तो आप देखो एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कि बहुत हार्श टेम्परेचर में देखने वाला एक बैक्टीरिया ऐसा है जो कि ह्यूमन की बॉडी में इतने सारे जूसेस जहां पर सीक्रेट हो रहे हैं हमारे एच भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है इसको हमारे इंटेस्टाइन के जूस भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे इसको आराम से हमारी बॉडी में आता है और हमारे में डिजीज कॉज कर देता है ठीक है हाँ यस एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं ये तीसरी बात क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है जहां पे बारिश वारिश बहुत आ गई है उसके बाद की बात करते हैं ठीक है तो हम रास्ते में घूम रहे होंगे तो एक चट्टान उठाई छोटी सी चट्टान बड़ी नहीं है छोटे से पत्थर उठाया बहुत दिनों से वहीं पड़ा था उठा के देखते पीछे देखते तो हल्का 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 कुछ ग्रीन ग्रीन उसके ऊपर ग्रीन -ग्रीन तो रेगिस्तान जहां पर ऊंट ही ऊंट नजर आ रहे हैं और मुझे कोई प्लांट्स बहुत सारे नजर नहीं आ रहे वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे हमें ऐसा कुछ ग्रीन ग्रीन देखने को मिलता है ठीक है क्या ये दिख रहा है बच्चों आप लोगों को यहां पर ये ग्रीन ग्रीन देखो हल्का सा बहुत बारीक बारीक सा ग्रीन दिख रहा है ये जो ग्रीन ग्रीन है ना ये है साइनो बैक्टीरिया so, जो है एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशंस में भी जहां पर बहुत ड्राइड आउट माहौल है बहुत गर्मी भी है और ड्राई है वहां पर भी ये प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं हरे हरे हैं इसलिए इट ठीक है ये ग्रीन ग्रीन है इसलिए है ना अच्छा आप बताओ मैंने थोड़ी सी मुट्ठी में मिट्टी उठाई और मिट्टी को मैंने जाके माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करने ट्राई किया तब मुझे पता चला इसमें भी बहुत बैक्टीरियाज हैं फिर मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बर्फ में बैक्टीरियाज हो आइस में बैक्टीरियाज तो नहीं हो सकते ठीक है ऐसा मुझे फील हुआ बट यू नो वट स्नोफॉल जो होती है उसमें भी बैक्टीरिया मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है क्यों क्योंकि वो स्नो जो है वो बैक्टीरिया के आसपास ही तो जमती है क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसका मतलब कि सूडोमोना सिर नाम के बैक्टीरिया पोलर एरियाज में भी रहते हैं जहां पे स्नोफॉल हो रही है ठीक है तो क्या मैं ये बोलू यार कितने जगह पे रहते हो तुम हाँ हर जगह पे तुम हो जहां देखो वहां बैक्टीरिया है ठीक है तो जहां देखो वहां पर बैक्टीरिया है हमें इस बात में ये वाली पॉइंट समझ में आई क्या ये बात समझ में आया है बच्चे लोग

ठीक है चलिए अब है दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर हंड्रेड ऑफ आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ हमने देखा अभी दे विल ऑल्सो एंड डीप ओशन वे आर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव ठीक है मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एस पैरासाइट बच्चो ये पूरा पैराग्राफ क्या हमें इमेज के फॉर्म में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है हाँ जी अदर नेम ऑफ दाइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगे हाँ यस ब्लू ग्रीन इज अ टर्म फॉर एलगेचेंजेबलीक्टीरिया बिल्कुल सही बोल रहे हो आप ठीक है यस वेरी गुड अनुज वेरी गुड कॉस्मोपोलिटिन हम शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो हर जगह पे पाया जाता है सर्वव्यापी ठीक है तो ये बैक्टीरिया जो है ये सर्वव्यापी है दे आर फाउंड एवरीवेयर इज द फर्स्ट पैराग्राफ वेरी क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट आपको ड्रॉ करके बताना चाहती हूँ ठीक है तो बच्चों हम अब क्या देख रहे हैं बताए है? हमने ये तो समझ लिया की बैक्टीरिया हर जगह पर पाए जाते हैं मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं बैक्टीरिया के शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जब मैं बात करती हूँ तब मैं बोलती हूँ कुछ बैक्टीरिया राउंड राउंड से ये बैक्टीरिया बोल रही होती तो मैं बोलती कोकाय कोकस कोकाय ठीक है अच्छा अगर मैंने बोला कि बैक्टीरिया का शेप कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि एक रॉड हो तो मैं इसको बोलूंगी बैसिलस ठीक है तब मैं इसको बोलूंगी बैसिलस का मतलब एक शेप का का के साथ में है है तो टर्म क्या हो जाएगी हमारे सामने ठीक मतलब होता है जो कि हमारे बॉडी में आकर कोई पैथोजन के फॉर्म में रह रहा है और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है खुद कुछ काम नहीं कर रहे ठीक है।, है हम पर डिपेंड हो गया और हमें नुकसान भी पहुंच देता है ऑब्वियसली अनजाने में ठीक है चलो तो ये हुआ सर्कुलर शेप ये हुआ रॉड शेप अब मैं तुमसे पूछती हूँ बच्चों रॉड शेप का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म मेरे को मालूम है और वो मॉडिफाइड फॉर्म है कुछ कुछ ऐसा तो क्या मैं इसको बोलू कॉमा शेप और कॉमा शेप बैक्टीरिया इसको हम लोग बोलते हैं विब्रियो ठीक है सर्कुलर रॉड कॉमा और क्या आता है अब मैंने कहा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं लाइक दिस ठीक है तो क्या मैं इसको बोलू स्पायरुलम ठीक है हम इसको क्या बोल देंगे तो चक्कर और लेकिन मैंने बोला यार ये तो कुछ ज्यादा ही स्पाइरल है यार इतना स्पायरल तो इसको कुछ और नाम रखना पड़ेगा तो अब इसको क्या बोलेंगे हम वो तो नहीं बोल सकते <laughs> क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे स्पाइरोकेट स्पायरोकेट ठीक है ना अब ये बात हुई जनरल जनरल सी बात करी हमने क्या-क्या शेप हो सकते हैं राउंड शेप रॉड शेप कॉमा शेप स्पाइरल शेप बहुत ही ज्यादा हेलिकल स्ट्रक्चर ठीक है इतने सारी बातें हुई अब बच्चों एक बात और करते हैं ये जो राउंड शेप का बैक्टीरिया है ये एक ही प्रेजेंट है मैंने ऐसा बोला मान लो कि ये दो होते तो एक है तो क्या मैं बोल सकती हूं मोनोकोकस लेकिन अगर दो है तो क्या मैं इसको बोल सकती हूं डिप्लोकोकस बताओ बच्चों क्या मैं इसको बोल सकती हूं डिप्लोकोकस बोल सकते हैं ना तो क्योंकि ये दो है तो हम बोल देंगे डिप्लोकोकस ठीक है अगर मैंने कहा कि ये जो राउंड राउंड बैक्टीरियाज हैं ये तो पूरी की पूरी चेन बना रहे हैं तब हम इस चेन के लिए टर्म इस्तेमाल अलग करने वाले हैं हम इसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस ठीक है और अगर यही राउंड राउंड बैक्टीरिया जो है ये ग्रेप के बंश की तरह प्रेजेंट हो गए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अंगूर होते हैं वैसे अगर ये अरेंज हो गए तो मैं अब इसको क्या नाम दूंगी नाउ आई आई विल बी टेलिंग इट एज स्टेफाइलो कोकस स्टेफाइलो कोकस बोलो बच्चों सब नाम समझ आए है ना सब नाम समझे इजी बहुत इजी एक सिंगल सर्कल मोनोकोकस या कोकस एक ऐसा शेप रॉड शेप क्या बोलेंगे हम उसे बैसिलस कॉमा शेप विब्रियो थोड़ा बहुत मुड़ा बहुत मुड़ा स्पाइरलम बहुत ज्यादा मुड़ा मुड़ा स्पाइरोकेट इसके अलावा अगर दो सर्कुलर साथ में हैं बैक्टीरियास तो डिप्लोकोकस अगर वो एक चेन बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस अगर वो ग्रेप बंस की तरह प्रेजेंट है तो स्टेफाइलोकोकस इज इट ठीक है चलो समझ आया सभी को ये पूरा अगर समझ में आ गया है तो आपको शेप्स ऑफ बैक्टीरिया समझ में आ गए हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया एनसीआर में हमारे इतने ही दिए हुए हैं हम इसको एक बार इमेजिन कर ले तो बहुत होता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कहां पर फंस सकता है मैच दी कॉलम टाइप में ठीक है ऐसा क्वेश्चन कहां पर फंस सकता है मैच दी कॉलम टाइप में रॉड शेप बैसल कोकस सर्कुलर शेप ये ऐसे फंस सकता है बहुत सिंपल सी बात होगी है ना यस yes.

एक का फंक्शन बताती हूँ चलो यहाँ पर देखो ये ये देख पा रहे हो स्टेफाइलोकोकस ठीक है तो स्टेफाइलोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एक्ने फेस पे एक्ने हो जाती है लोगों की जब वो जैसे जैसे लोग एडोलसेंट एज में एंटर टीन एज में एंटर करते हैं टीन एज से एडोलसेंट मूव कर रहे होते हैं तो बहुत हॉर्मोनल फ्लक्चुएशन आते हैं तो फेस पे बहुत ऑयल जमा हो जाते हैं ठीक है अगर कोई भी ऑयल पोर में कुछ क्लॉग हो गया तो वहां पे बैक्टीरिया करते हैं कुछ टाइप के बैक्टीरिया है मतलब कि खांसी कॉज कर सकता है ठीक है चलो हुआ ये बात समझ आई सभी को अब हम आगे बढ़ रहे बच्चों ये देखो एनसीआरटी की फोटो ये फोटो में क्वेश्चंस आएंगे तो गलत तो नहीं करोगे जल्दी से बता दो यार कमेंट सेक्शन में गलत तो नहीं करोगे तुम लोग हाँ और बाई दिख रही है सबको ठीक है चलो दिख रही है ग्रेट तो ये हुआ हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने कर लिया अब हम बात करते हैं आगे आ जाते हैं अब मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूं मैं तुमको पहले पढ़ाने वाली हूं आर की बैक्टेरिया के बारे में डिटेलिंग में बैक्टीरिया वर्ड रूट तोड़ना मुझे बहुत पसंद है और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है वो वर्ड रूट तोड़ के समझे उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाती है ठीक है तो आर की वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव और बैक्टीरिया तो हम जानते ही हैं बैक्टीरियास ठीक है तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया ओके अब बच्चों एक बात मुझे बताओगे जब अर्थ का इवोल्यूशन मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ आप लोगों ने अगर क्लास ट्वेल्थ अभी तक नहीं देखी है तो मैं बताती हूं कि क्लास ट्वेल्थ में हम ऐसा पढ़ाते हैं कि हमारे अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर को ठीक है और लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है फोर बिलियन ईयर ऐसे कुछ ठीक है तो जब प्रिमिटिव मोस्ट इस पृथ्वी पे बने तब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म मानते हैं हम कि वो बैक्टीरिया बने होंगे ठीक है क्योंकि आज भी ऐसे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि इतने एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर पा रहे हैं जैसे हम नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है उनको हैबिट है वैसे रहने की और इतने जमानों से जब वो चला आ रहा है ये समय तो उन्होंने अपने आप को भी वैसे अडेप्ट कर रखा है है ना तो ये बात जस्टिफाई होती है इस तरीके से कि किंगडम मोनेरा हम सबसे पहले इसीलिए पढ़ते हैं कि ये सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इवॉल्व हुए होंगे ऑन दिस अर्थ इज इट चैप्टर हाँ, है टैग yes. क्या बात है वेरी गुड सो टैग पॉलीमरीज हम इससे बिल्कुल सही बात है जो बहुत हाई टेम्परेचर वाले होते हैं ना उनसे हम कोई एंजाइम एक्सट्रैक्ट करते हैं बायोटेक में पढ़ाऊंगी वो चीज ठीक है आप बच्चों ये देखो ये दिख रहा है ये क्या है ये कलर इस पानी में क्यों है फिर से बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया ये एक प्रकार की ऐसी स्प्रिंग है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन है यहां पर यहां पर कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहे हैं मैं इमेजेस से इसलिए बताती हूं ताकि तुम्हारे लिए इमेजिनेशन थोड़ा सा हो जाए फिर ये क्या दिख है? वो तो हमें समुद्र का तट दिख रहा है तो नमक, हम सॉल्ट गार्गल करते हैं अगर हमें बैक्टेरिया इंफेक्शन हो जाता है तो ताकि बैक्टीरियाज मर जाए लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि इतने नमक में रहना पसंद करते हैं है ना बड़े ही नमकीन टाइप के बैक्टीरियाज हैं ये ओके सो दे आर एबल टू सस्टेन लाइफ द सी सॉल्ट में भी मजे से तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी अगर मैं ऐसा बोलूं कि अचार में बैक्टीरियाज हो सकते हैं तो क्या मैं गलत बोल रही हूं क्या पिकल्स में या अचार में कभी भी कोई बैक्टीरियाज हो सकते हैं

देखो अपन क्या देख रहे हैं हाँ सर, सही सही जा रहे हैं मैं ये चेक कर रहा हूं कि क्या हम लोग सही जा भी रहे हैं कि नहीं ठीक है अब देखो ये वो बैक्टीरिया है जो कि आपके स्टमक में एसिड के अंदर आराम से रहता है और अल्सर कॉज कर देता है कोई बच्चा जानता है क्या इसका नाम इसको हम लोग बोलते हैं हेलिको बेक्टर पायलोरी हेलिको पायलोरी ठीक है तो दिस हेलिकॉप्टर पाइलोरी इज एबल टू तो सस्टेन इजीली इन साइड रे पर क्या बात हो रही है ये कि ये कि तो सब जगह पे प्रेजेंट है वैसे ही टाइप की बात हो रही है लेकिन ये एक्चुअली में किसके बारे में हो रही है ये समझना जरूरी है ये हो रही है आरकी बैक्टीरिया के बारे में है ना दिस इज हैपनिंग बिकॉज वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दी आरकी बैक्टीरिया ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माइंड बच्चों कि मुझे तुम लोगों को बायोलॉजी रटवाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है तुम इमेजिन करो तुम्हें बहुत मजा आए तुम रिलेट कर पाओ और तुम्हें याद अपने आप रह जाएगा अपने आप रह जाएगा ठीक है तो ये एसिड में रह सकते हैं बैक्टीरिया अब कुछ बात ऐसे करते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि हमारी बॉडी में इकोलाय रहता है इकोलाय हमारे को कुछ हेल्प करता होगा क्या अफकोर्स करता है क्या हेल्प करता है वो वो हमारे अनडाइजेस्टेड जो फूड प्रोडक्ट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उससे विटामिन बना के देता है अपने को पता है बात। पता है है ये ये बात बात क्या बात कह रही हूं मैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया है वो तभी तो रहने दे रहे अपन उनको वरना क्या बोल देते अपन निकल नॉट ऑफ माई एनी यूज इज इंट इट पर हम तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया में रखे हुए हैं आराम से वो हमें विटामिन दे रहे हैं। है ना वैसे ही जो कैटल्स होते हैं बच्चों जो रूमिनंट एनिमल्स होते हैं जो क्या खाते हैं घास खाते हैं पत्ते खाते हैं जैसे कि काव हो गई हॉर्स हो गया और गोट हो गई इनफैक्ट कैमल हो गया ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या खाते हैं फूड जो कि पत्ते वाला फूड है जिसमें कि प्लांट सेल्स ज्यादा है जिसमें कि सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा इज इट जिसमें कि सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा <clears throat> नहीं।, e कभी नहीं करता है इकोलासिबल फॉर प्रोडक्ट्स उसकी मदद से हमें वो बनाते हैं चार टाइप के विटामिन बी वन बी टू बी ट्वेल्व और के लेकिन ये ऑफ टॉपिक बात है तो उसको बाद में बताऊंगी पहले मैं इस गाय के बारे में बात करना चाहती हूँ अभी तो यहां पर जो एक काव दिख रही है इस क्या खा रही है हम बचपन से ऐसे में लिखते थे ना ऐसे की में पहुंचा हम इसकी पूरी को नहीं पढ़ रहे हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे नजर आ रहे हैं कुछ बैक्टीरिया जिनको मैं बोल रही हूँ मिथानोजेन्स क्या बोल रही हूँ मैं मिथानोजेन बैक्टीरिया ठीक है जैसे ही गाय ने प्लांट मटीरियल खाया उसके ऊपर बैक्टीरिया की एक्टिविटी हुई नॉट जन दूसरे बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया का नाम भी यहां लिख देती हूं मैं र्यूमिनो नाम का बैक्टीरिया है वो र्यूमिनो ठीक है इस बैक्टीरिया ने इस खाने को डाइजेस्ट कर दिया कर दिया अच्छी बात है डाइजेशन के कारण से एच टू और सीओ टू लिबरेट हुई मतलब कि काओ की बॉडी में सीओ टू और एच टू एच टू बन गया सीओ टू और एच टू बन गया क्या बनने वाला है यहां से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें कहां रहती है हम बोलेंगे ये सब तीनों कंबाइन हो गए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा यस यस और नो डेफिनेटली ठीक है तो यहां पर मिथैनोजन बैक्टीरिया ने एक्शन करके क्या किया मिथेन बनाया ठीक है तो काउस के अंदर कुछ मिथानोजे नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं मिथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बायोगैस हम उसी से ऑप्टेन करते हैं तो काउ का जो भी फीकल मैटर होगा डंग बहुत सारा यहां पर इकट्ठा हो गया ठीक है ऐसे गोल गोल नहीं होता है <laughs> Isn't it? उसका कोई शेप नहीं होता है इट विल बी लाइक एनी शेप जैसा कि वो गिरेगा जिस फीड में वो गिरेगा वैसे शेप वो धारण कर लेगा सो so, ये जो है काउडंग इसमें से मीथेन गैस लिबरेट होती है तो हम इसलिए काउडंग का इस्तेमाल करते हैं मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए जो कि बायोगैस की तरह इस्तेमाल होता है ठीक है <coughs> हां जी बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ आ गई है चल आगे बढ़े तो हमने क्या क्या समझा हमने समझा कि बैक्टीरिया हमारे रह सकते हैं आर की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया रह सकते हैं एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर कंडीशन में एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में एसिड कंडीशन में इनफैक्ट रूमिनेटिंग एनिमल्स के अंदर और कीचड़ में भी रह सकते हैं दलदल दल, जहां बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई है कीचड़ है पानी है वहां आप कभी गुजरोगे उसके पास से जहां बहुत दिन से कीचड़ है तो आपको एक अलग सी स्मेल आएगी वो स्मेल भी मीथेन के कारण आ रही है क्योंकि वहां पर भी हमारे मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट है मार्शी एरियाज में दलदल दल या कीचड़ वाले एरियाज में ठीक है ठीक है तो अगर ये सब बातें समझ में आई है तो इनके पास में ऐसा क्या है कि ये हर जगह पर रह सकते हैं

लेयर को हम लोग बोलते हैं सरफेस लेयर ठीक है और ये सरफेस लेयर जो है ये इन बैक्टीरिया कंडीशन में भी अपने आप को आराम फील करवाने में हेल्प करती है बिकॉज ये एक्सट्रीम कंडीशन से भी डरेंगे नहीं मरेंगे नहीं ठीक है समझे है ना तो क्या क्या हमने जो पढ़ा है ना अभी तुम बोलोगे अरे मैम ये सब क्यों किया आपने हमारे साथ क्योंकि अब मैं तुमको पढ़ाने वाली हूँ एनसीआर का पैराग्राफ और तुम बोलोगे कि ये तो हमें आता था क्यों क्योंकि हमने पढ़ लिया है क्योंकि हमने इमेजिन कर लिया है ठीक है तो जब भी हम इमेजिन कर लेते तो तो थिंग्स विल वेरी इजी फॉर अस ऑलवेज ऑलवेज एवरी टाइम ठीक है तो देखो जल्दी जल्दी से एनसीआर के प्यारे प्यारे शब्दों पर ध्यान देते हैं दीज बैक्टीरियाज आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी हेलो फाइल वाला हेलो नहीं है 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 ये ये है ठीक स्प्रिंग्स मतलब कि थर्मो और एसिडो क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम स्प्रिंग और एसिड को मतलब पेट में बहुत गर्मी हो गई है सुना है सबने ना जनरल में अपन हिंदुस्तानी लोग ऐसी बात करते हैं पेट में बहुत गर्मी हो गई है बहुत जल रहा है जल रहा है जल रहा है इसका मतलब हीट के बारे में बात हो रही है जहां एसिड है वहां पर हीट है क्वाइट ऑबवियस ठीक है तो क्या मैं एक कॉमन टर्म दे दूं उन बैक्टीरिया को जो कि हॉट टेम्परेचर में भी रहने जानते हैं और एसिड में भी रहने जानते हैं हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स फाइल मतलब लव करना फिलिक लव टेंडेंसी ठीक है तो ये टेम्परेचर को और एसिड को प्यार करते हैं वहां रहना पसंद करते हैं ठीक है यस yes, ग्रेट अब आ जाते हैं हमारे मार्शी एरियाज में रहने वाले मीथेनोजंस पर मैं ऐसा पूछूं

ओके, okay. <coughs> so, like लवली, क्या ऐसा आप लोग बोलोगे मैम हमें तो ये आता था जल्दी से बताएंगे सब लोग ठीक है सो आई एम वेटिंग फटाफट से ऐसे लिखेंगे सब लोग लाइव चैट में ऑल ऑफ यू विल बी राइटिंग दिस थिंग ठीक है इट्स लाइक uh, like, बहुत अच्छे से समझ आया है कुछ भी तुम अपने वर्ड में लिख दो जल्दी से सुपर सुपर इजी इजी लिख दो फटाफट से सुपर इजी तो समझ जाऊंगी मैं कि सुपर इजी हो गया है तुम्हारे लिए सुपर इजी हो जाना चाहिए हो हो ही गया गया होगा अभी तक है तो. है ना हो गया है ना अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है नन अदर देन यू बैक्टीरिया यू माने कि ट्रू बैक्टीरिया हम अब पढ़ने वा, पढ़ने वाले हैं ट्रू बैक्टीरिया के बारे में ठीक है तो ट्रू ट्रू बैक्टीरिया अभी तक ये झूठे थे में? <laughs> नहीं मतलब वो क्यों उनका ऐसा तो अत्याचार कर रहे हैं हम इनको यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया बोल, बोल रहे हैं उनको हम झूठे बोल रहे हैं इतने हॉट टेम्परेचर कंडीशन में रहने वाला है झूठा बैक्टीरिया ऐसा हमने नहीं बोला है कहीं भी हमने उनको बैक्टीरिया नहीं बोला है क्योंकि ठीक है लेकिन वो पुराने बैक्टीरिया है उनको आर की बैक्टीरिया टर्म तो इसलिए दे रहे हैं ये यू बैक्टीरियाज है आज के जमाने के हैं ट्रू बैक्टीरिया है ठीक है सो दे विल बी ट्रू देरिया ओके ग्रेट ग्रेट बच्चो वेरी नाइस नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं

इट्स नॉट अ गारंटी की सबके पास होगी ठीक है कुछ बैक्टीरिया स्पेशली जो कि एक्वेटिक बैक्टीरिया पानी में रहते हैं उन बैक्टीरिया को पानी से बचना पड़ता होगा तो उनको आसपास में एक चिकनाहट रखनी पड़ती है अपने ताकि वाटर के साथ में रिएक्ट करके वो बैक्टीरिया मर नहीं जाएं या उनके अंदर ऑस्मोटिक एक्टिविटी नहीं चलो जाए पानी अंदर आ रहे मानू पड़ा ऐसा नहीं हो जाए तो इसलिए स्लाइम लेयर ले कैप्सूल लेयर कुछ बैक्टीरिया होती है उसके जस्ट अंदर की तरफ सेल वॉल होती है और हमें ये पता होना चाहिए पता नहीं है हम अभी पढ़ेंगे तो पता हो जाएगा कि सेल वॉल जो है की वो बनी हुई होती है की और लिपोपॉलीसेकेराइड की कई सारे स्टूडेंट्स तो कल प्रेजेंट थे तो उन्होंने तो ये पढ़ लिया था कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि आज ही आए हैं उनके लिए वापस लिख देते हूँ कि वॉल ऑफ बैक्टीरिया

ये कुछ ऐसा प्रेजेंट है यह डीएनए के आसपास में न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियर एनवलप नहीं प्रेजेंट होने के कारण से क्या मैं ऐसा बोलूं यह है डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इनके पास में न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि इनके पास में न्यूक्लियोइड है ठीक है <coughs> इनके पास में न्यूक्लियॉइड है।, है ना हाँ रुद्र कह रहा है कि मैम एनएजी प्रेजेंट है बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा इसके पेप्टिडोग्लाइकिन के अंदर एक टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट होता है चेन फॉर्म में पॉलिमर करके उसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन ठीक है ना और एक और होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड म्यूरामिक एसिड

क्या यहां पर मुझे गोलजी अपैरेटस दिख रहा है? नहीं रेटिकुलम नहीं है <coughs> सॉन्ग याद आ गया दिमाग बहुत ज्यादा चलता है कई बार ठीक है कुछ ठंडा खा लो। भूख नहीं है वैसे इनके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है गोल्जी अपैरेटस नहीं है इनके पास कुछ भी नहीं है क्या फिर इनके पास में इनके पास में प्रेजेंट है सिर्फ सिर्फ

फिर कुछ बैक्टीरिया के पास में प्रेजेंट होता है एक प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक फ्लेजिला <clears throat> ठीक है कुछ बैक्टीरिया के पास में प्रेजेंट होता है एक प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक फ्लेजिला वो कैसा फ्लेजिला है बच्चों ये प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक फ्लेजिला जो है इसके पास में नाइन प्लस टू माइक्रो ट्यूब्यूल अरेंजमेंट नहीं है यू कैरियोटिक अगर हम पढ़ते हैं हम सेल चैप्टर में पढ़ते हैं ये बात को तो वो अगर होते ऑर्गेनिज्म तो उनके पास में नाइन प्लस टू माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होकर प्लेजिला बनता लेकिन क्योंकि ये है, इनके पास में एकदम सिंपल प्लेजिला है उसके अंदर कोई भी और माइक्रोट्यूब्यूल्स रन नहीं कर रहे हैं ठीक है येस और नो पायलाउटसाइड बॉडी दे विल बी प्रोजेक्टिंग एक्चुअली ठीक है तो ऐसे इमेजिन कर ले बेटा कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया अपन ने देखा ठीक है तो ये बैक्टीरिया है अब तुम सिर्फ प्लाज्मा इमेजिन कर रहे हो पहले तो ये प्रोजेक्शन ऐसे बने ठीक है ऐसे करके एक रफ इमेजिनेशन बता रही हूं है ना फिर इसके ऊपर एक सेल वॉल होगी तो वो सेल वॉल भी कवर हो गई तो सेल वॉल ने भी कवरेज दे दिया अब मान लो कि ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया के पास में कैप्सूल नहीं है ये एक्वेटिक बैक्टीरिया ही नहीं है तो ये ऐसे ही कुछ दिखेगा फिर

प्लाज्मे डीएनए और प्लाज्मेट डीएनए के लिए हम कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल जरूर करेंगे जैसे कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल ये क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल का मतलब क्या है कि एक और क्रोमोजोमल डीएनए है ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल का मतलब है कि क्रोमोजोमल डीएनए इसके अलावा एक और डीएनए इसके पास में है. दूसरा है ना ठीक है समझ आया चलो तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है कैसा है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है कैसा है सर्कुलर है गोल गोल सा है और कैसा है डबल स्टैंडर्ड है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लाजमेड नाम का डीएनए भी इनके पास में प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब अगर मैं बोलूंगी इसकी क्या जरूरत थी इतने छोटे से बैक्टीरिया में तो एक्चुअली बात यह है कि ह्यूमन से हर ऑर्गेनिज्म दुनिया में परेशान हो गया है हमने बैक्टीरिया तक को भी नहीं छोड़ा ठीक है तो हमने क्या बोला क्योंकि बैक्टीरिया के पास में ताला और चाबी की बात ही नहीं आती है। मतलब समझना मेरे पॉइंट का कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे घर में तुम्हारी ज्वेलरी पड़ी है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो तुम उसको लॉकर में छुपा के रखते हो है ना ऐसा ही है हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल तो हम तो उसके आसपास में कवर रखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये इसके पास तो है ही नहीं मतलब इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने एक्सपोज है तो ह्यूमन ने फायदा उठाया ना इसका इसके अंदर हमारे जीन्स हम इंट्रोड्यूस कर करके बोलते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन बना के दे बैक्टीरिया हमारे लिए ये बना के दे तो बैक्टीरिया परेशान हो गया बैक्टीरिया को वक्त मार भी देते हैं अपन कई बार कि जरा ही हमारी बॉडी में आया ये सोच के कि मैं इसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज करूंगा मजे करूंगा खाऊंगा पीऊंगा इसकी बॉडी में रहकर तो हम बोलते हैं नहीं हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं इसको मार देते हैं इमीजिएटली तो एक्चुअली क्या है कि इसने सोचा यार तो हो रहा है मेरे ऊपर तो बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा डीएनए अपने अंदर बनाया जो कि इसको एंटीबायोटिक्स के एक्शन से बचा सके ठीक है यस और नो हाँ ये सो इट प्रोवाइड एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉर प्रोटेक्शन करेक्ट सो वॉट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स ठीक है लाइक बैक ऑफ डीएनए य ठीक है आई रियली होप कि ये समझ में आए हैं फॉर लाइक आर वेरी क्लियर और नॉट अब तुम बोलोगे मैम ये बैक्टीरिया क्या गाना गा रहा होगा बताओ एक नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट था ये बैक्टीरिया गाना गा रहा है राइट नाउ वो बोल रहा है हम पे ये हरा रंग डाला ठीक है चेक आउट दिस ये बैक्टीरिया हरा हरा नजर आ रहा है क्यों क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक नेचर का है इसके पास में प्रेजेंट है इसके पास में है like क्या है की तरह अपना खाना खुद बनाएगा ऑब्वियसली तभी तो इसके पास में क्या प्रेजेंट है, भी है. Okay. तो ये जो बैक्टीरिया है ये इसलिए दिखाया तुमको कि अगर तुम बोलो कि मैम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगे जो है सारा बैक्टीरिया दिखते ही ऐसे होंगे ऐसे कुछ दिखते हैं डायग्राम okay. बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है यू नीड टू मेक दिस बार इतने सारे टाइप्स के अरेंजमेंट पैटर्न्स हो सकते हैं उन ब्लू ग्रीन अलगे या साइनो के ठीक है यस और नो ओके ग्रेट चलो ये देखो अगर किसी वाटर या एक्वेटिक सरफेस में कभी बाय एनी चांस बहुत सारे बैक्टीरियाज साइनो बैक्टीरियाज आ जाएं और ग्रो करते जाएं, करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो वो पानी ऐसा हो जाएगा ठीक है तो वो पानी ऐसा हो जाएगा यस ब्लू ग्रीन करेक्ट चलो बच्चों अब इतना इतना समझ में आया तो अपन थ्योरी फटाफट से एनसीआरटी की एटलीस्ट इतनी समझ लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है उस सब को. पर वो समझाने की वाली क्लास डायग्राम तुमको सिर्फ एक क्लास डायग्राम दिखा रही हूं ये एक बैक्टीरिया है जो कि फिलामेंटस कैसे दिख रहा है फिलामेंटस बैक्टीरिया 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 बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में अटैच 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 कैसे अटैच है अटैच है एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि एक लॉन्ग थ्रेड लाइक या नजर आ रहा है, ठीक है पर आपको सारे बैक्टीरियल सेल्स नॉर्मल 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 नजर आ रहे हैं आ रहे, रहे, रहे है? है बच्चों मतलब होता है डिफरेंट और सिस्ट का मतलब होता है सैक डिफरेंट सैक हुआ ये डिफरेंट क्यों है क्योंकि ये इस पूरे फिलामेंटस बैक्टीरिया के लिए नाइट्रोजन को एटमोस्फियर से फिक्स करने वाला है अपने अंदर लेने वाला ठीक है।, है ये है आई कांट लुक एट द सेम अगेन देखो तो ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो कि हेटेस्ट इसके पास में प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है इन बैक्टीरिया को यह फिलामेंटस बैक्टीरिया के नाम क्या है नॉस्टॉक एंड एना बिना क्या नाम है नो स्टॉक एंड एना बिना तो हमने जो भी टर्म्स अभी समझे हैं हम उसको एक बार एनसीआरटी से गो थ्रू करेंगे उसी के बाद में आगे बढ़ूंगी अदरवाइज नहीं देखो थोड़ा सा पढ़ते ठीक है सो लेट्स क्विकली क्विकली स्टार्ट स्टडिंग दी एनसीआरटी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वट एवर वी है हमने अभी पढ़ा है उसको हम क्विकली एक बार इमेजिन कर लेते हैं देखो देअर आर थारिया क्योंकि वह बहुत सारे हैं

सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड फोटो सिंथेटिक होते हैं ठीक है यस ओके नाउ द साइन ऑफ बैक्टीरिया फिलामेंटस फ्रेश वॉटर या टेरेस्ट्रियल मेरा सब कुछ हो सकते हैं अभी मैंने तुमको ये वाला इमेज दिखाया था ये देखो ये इमेज दिखाने का पर्पज यही था कि ये सिंगल सेल्ड भी रह सकते हैं ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं दो की कॉलोनी मल्टीपल की कॉलोनी और मल्टीपल की कॉलोनी फिलामेंट भी बना सकते हैं फिलामेंट फिलामेंट तो ये सिंगली भी रह सकते हैं कॉलोनी के फॉर्म में भी रह सकते हैं और फिलामेंट बना के भी रह सकते हैं ये ऐसे यू बैक्टीरियाज हैं ठीक है ये समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं ये जमीन पे भी पाए जाते हैं इनकी रेसिडेंस एरिया हुई है है ना आप देखो दे जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस चीत में, बहुत होता है. तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो कर पाते हैं इजीली ठीक है तो ये पूरे के पूरे पानी को गंदा कर देंगे अगर ये वहां पर प्रेजेंट होंगे तो और उसके कारण से उस पानी में कोई भी और एक्विटिक आराम से नहीं रह पाएंगे ठीक है उन एक्वेटिक क्रिएचर्स को वहां रहने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है है ना चलो ठीक है सो सम ऑफ दी ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल इज हेट्रोसिस एग्जाम्पल नॉस्ट्रॉक एन एनाबेना ठीक है क्या इतना इतना मैंने पढ़ाया तुमको क्या इतने पैराग्राफ में कोई भी डिफिकल्टी यस yes या नो में फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ तभी आगे बढ़ेंगे जल्दी बता दीजिए ओके <clears throat> okay. बोलो बच्चों इतने पोर्शन में कोई भी डिफिकल्टी एनी डिफिकल्टी एनी डिफिकल्टी बाय एनी चांस नो पक्का श्योर हंड्रेड परसेंट क्लियर है हंड्रेड परसेंट क्लियर है सब लोगों को ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड तो अब हमें ये समझ में अब हम क्या देखते हैं अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो हमारे ग्रीन से चालू हो रहे हैं बैक्टीरियास ठीक है वापस से एक बात समझते हैं ये में क्या प्रेजेंट था बच्चों इनके पास में प्रेजेंट था क्लोरोफिल ए प्रेजेंट और इसके कारण से ये कैसे टाइप के बैक्टीरियास हमने पढ़े अभी फोटो ऑटो ट्रॉफिक नेचर वाले ठीक है क्या पढ़ा हमने फोटो ऑटोट्रोफिक फोटो मतलब कि लाइट ऑटो मतलब कि अपने आप प्रोफर्स न्यूट्रिशन ये अपना खाना खुद बना रहे थे इसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी पढ़े कौन-कौन से एग्जांपल पढ़े हमने पढ़ा नॉस्टॉक और हमने पढ़ा एना बेना ये कैसे बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया वाले कैटेगरी में हमने जो फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी है वो ऐसी कैटेगरी पढ़ी है जो कि अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में खुद बना पा रहे ठीक है क्लियर है अब हम टेगरी समझते हैं कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे बच्चों जो कि सनलाइट प्रेजेंस में नहीं बल्कि किसी केमिकल को तोड़कर उसको ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी लिबरेट होती है वो एनर्जी को कैप्चर करके और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे <coughs> है ना क्या बोला मैंने कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल क्लोरफिलेजेंट नहीं है लेकिन उनको खुद का खाना खुद बनाना है तो कैसे करेंगे वो अब वो क्या करेंगे किसी भी केमिकल को ऑक्सीडाइज करेंगे और एज अ रिजल्ट जो एनर्जी लिबरेट होती है उस एनर्जी की मदद से दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जोड़ेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे फिर से डबल बार बोला ठीक है आप तो समझ में आया ना अब तुम इमेज देखोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा ठीक है तो ये एक रिएक्शन में तुमको दिखाते हूँ एक बैक्टीरिया की जिस बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस ठीक है इस बैक्टीरिया को ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में ओ को जोड़ रहे हैं एच में O2 जोड़ रहे हैं ठीक है तो क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं एसओ फोर तो नेगेटिव बदले में जो एनर्जी लिबरेट हुई है बच्चों उस एनर्जी की मदद से इसने ADP नाम के कंपाउंड को ATP बना दिया मतलब कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना दिया और ट्राइफॉसफेट जो है वो तो हम सभी बनाते हैं हमारी बॉडी में एटीपी ही हमारे लिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है इन्होंने एनर्जी बना दी ठीक है लेकिन ये एनर्जी क्यों बनाई ये ये समझो एनर्जी बनाई है खाना बनाने के लिए ये एनर्जी इनके लिए फ्यूल का काम करेगी तो आप क्या करें सीओ टू को जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कैलविन साइकिल में कैलविन बेंसन साइकिल में एटीपी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया मतलब मैं ये सब बोल सकती हूँ क्या कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया इनका खाना बन गया है इस प्रोसे से. इस प्रोसेस प्रोसेस से से इनका खाना बन गया है है ना यस yes नो no? तो क्या समझ आया इससे हमें हम बता सकते हैं एक बार एवरीवन प्लीज टेल मी क्विकली आई एम वेटिंग प्लीज से एम आई विजिबल ऑडिबल अगेन मैं दिख रही हूँ ना बच्चों सभी को कि नहीं दिख रही हूँ अच्छा ठीक है ठीक है कंफर्म कर रही थी एक बार ठीक है तो ये समझ आया कीमो ऑटो ट्रॉफिक एक और इमेजिनेशन करते हैं पर्पस से मो ऑटोट्रॉफिक मेटीरिया कैसे खाना बनाते हैं ठीक है तो ये देखो अरे हमने देख लिया है ऑलरेडी ये तो हम एक ही इमेजिनेशन कर रहे हैं फिर हम इसको थ्योरी रीड करेंगे एक बार क्विकली से ताकि तुम्हें इमेजिनेशन हंड्रेड परसेंट वाला हो इस में आप से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब हमने डेफिनेशन को ढंग से पढ़ा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मेटीरियस ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया और भी सल्फेट आयरन एटसेट्रा एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन ठीक है एटीपी प्रोडक्शन के बाद में नाउ दिस एटीपी दे विल बी यूटिलाइजिंग इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर ओन ऑर्गेनिक फूड ऑल्सो समटाइम्स ठीक है <coughs> अच्छा अब ऐसा कर रहे हैं ये तो इनका ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है अब वो फायदा हम एक बार और देखते हैं देखो दूसरे इमेज में दिखाऊंगी ये वाला एक बैक्टीरिया था उसने क्या किया अमोनियम आयन में ओटू जोड़ दिया बना दिया नाइट्राइट एनर्जी लिबरेट हुई होगी ठीक है वो एनर्जी से उसने अपने खाना बनाने में हेल्प किया अच्छी बात है फिर क्या हुआ नाइट्राइट में और ओटो जोड़ा तो क्या बना दिया नाइट्रेट ठीक है ऐसे करते करते इन्होंने तो नाइट्रोजन को ही फ्री कर दिया तो क्या मैं ऐसा बोलूं जो बाउंड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कंपाउंड्स हैं उसमें से फ्री लिबरेट करवा के ये एटमोस्फेर में वापस भेजने का काम भी कर रहे हैं समवेयर ये साइकिल साइक्लिक प्रोसेसेस जैसे नाइट्रोजन साइकिल सल्फर साइकिल फॉस्फोरस साइकिल में भी बड़ा योगदान प्ले करते हैं इज इंट इट है ना ये सोनो बच्चों ठीक है तो ये वाला काम यहां पर हुआ अच्छा ठीक है तो हमें अगर वो पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया है तो आप लोगों से मैं अगर ऐसा पूछती हूं तुम लोग देखना रिविजन करो मेरे साथ साथ में ठीक है तो देर आर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के यू बैक्टीरिया है यू में मैं ऐसा बोलूंगी कि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि फोटो और होते हैं जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खुद का खाना बना सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है प्लांट्स की तरह और ऐसे बैक्टीरिया एग्जाम्पल थे जो कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकते थे एक्वेटिक भी हो सकते थे और मैराइन भी फ्रेश वाटर भी है ना याद है जो कि सिंगल भी रह सकते थे कॉलोनी में भी रह सकते थे फिलामेंट के में भी रह सकते थे ठीक है फिर सेकेंड कैटेगरी ऐसी ऑक्सीडाइज करके उसके मदद से जो एनर्जी लिबरेट होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना ठीक है ऐसे वो किस का कर करते हैं नाइट्राइड कर सकते हैं या फिर सल्फर या तो फिर

चलो कोई बात नहीं है हम अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी उसको समझने में ठीक है और अगर आती भी है तो यू कैन मी देव ठीक है अब आ जाते हैं अपन ये क्या दिख रहा है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये दही के अंदर कुछ बैक्टीरिया दिख रहे हैं कौन इसका नाम बताएगा

वैसे वाला इतना सारा वैसे मुझे लग रहा है कि आइसक्रीम टाइप नजर है नॉट like, दही लाइक बट ठीक है ये। अब एक बात और करते हैं तुमसे एक बात पूछते हो क्या तुम सब लोगों ने कभी भी ऐसे कहावत सुनी है घर का भेदी लंका ढाई एवर हर्ड दैट एनी वन कभी सुना है घर का भेदी लंका ढाई सुना होगा ये कहावत अपन इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली विभीषण के लिए ठीक है तो घर का भेदी लंका ढाई वाली सीन की बात करते हैं क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया नहीं होने देना चाहते अपने साथ में है ना जैसे कि एक खाना पड़ा है तो हम बोलेंगे कि कुछ बैक्टीरिया चाहते हैं कि दूसरे बैक्टीरिया यहाँ पर खाना नहीं खाए हम ही सारे खाएं हम ही प्रोलीफोरेट हो दूसरे वाले नहीं हो तो वो उनको मारने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज करते थे ठीक है तो वो प्रोडक्ट्स क्या हो गए एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ बना रहा है क्या बोलूं मैं उस प्रोडक्ट को क्या मैं उसको एंटीबायोटिक बोलू बताओ। हां जी क्या मैं उसको एंटीबायोटिक बोलू है ना बोल सकते हैं ना एंटीबायोटिक हम लोग उसको ठीक है तो तुम्हें ऐसा लगता होगा आज के पहले तक कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फंगस रिस्पॉन्सिबल है पेनिसिलिन बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है ना इतने सालों से पढ़ा रही रहे ये बात मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय फंगस ओनली नॉट लाइक दैट देयर आर सम समेक्टीरियाज ऑल्सो जो कि एंटीबायोटिक्स बनाते हैं बैक्टीरिया ने बनाया बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या बनाया एंटीबायोटिक बनाया ठीक है तो यहाँ पे कुछ नाम तो हमको सिर्फ बता रही हूँ ये टेबल रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है सिर्फ बता रही हूँ कि क्लोरिम्फिन नाम का एंटीबायोटिक बनाया है एक स्टेप्टोमाइसिस वेनेजुले नाम ने नाम की बैक्टीरिया ने टेट्रासाइक्लिन बनाया है स्टेप्टोमाइसिस और नाम के बैक्टीरिया बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक बनाया ठीक है अगर आपसे पूछेंगे बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक बना सकता है तो हम दो तीन नाम बोल सकते हैं टेट्रासाइक्लिन बोल देंगे हम लोग क्लोरेम्फेनिकॉल बोल देंगे बारिश हो रहा है सबके घर पानी की हाँ <laughs> कहीं पैसे की बारिश तो नहीं हो रही बाहर अदरवाइज आई बी गोइंग जस्ट लिविंग देखो तो यहां पर एक और तुम्हारे को मैं इमेज दिखा रही हूं ये इमेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दिखाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर बट स्टिल मैं ये बताना चाहती हूं कि बैक्टीरियाज हमेशा ही हेल्पफुल नहीं होंगे हमेशा ही नुकसानदायी नहीं होंगे कुछ हेल्पफुल होते हैं कुछ नुकसानदायी होते हैं कुछ प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं कैसे जो कि रूट नॉड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं ये रूट के जो हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के इसमें कुछ प्लांट के लिए अटमॉसफियर से नाइट्रोजन फिक्स करके लाते हैं ठीक है क्योंकि प्लांट इनको रहने की जगह दे रहे थैंक यू सो मच आर्यन ठीक है तो ये जो है प्लांट्स को रहने प्लांट्स इसको रहने की जगह दे रहे हैं बदले में ये प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है इस का नाम क्या है This is known as rhizobium. ये क्या काम कर रहा है एटमोस्फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर दी लेग्यूमिनस प्लांट्स ठीक है अच्छा अब अभी तक तो बड़े फायदे फायदे वाली बात सुन रहे थे अब आते नुकसान पे अब समझ में आएगा कि अरे बाबा रे मृता येस इट्स अमृता इट्स नॉट अमृता बट इट्स फाइन एफ यू साउथ इंडियन पर्सन और फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया अमृता बोलते हैं वहां पर मुझे <laughs> कुछ लोग अमृता भी बोलते थे अमृता बट इट्स अमृता ओके ठीक है आप देखो ये अगर आपने कभी भी रोड साइड स्पेशली किसी नदी के पास जाकर के गोलगप्पे खाए हैं एवर डर्न दैट एवर एवर डर्न दैट येस मेरी रोज लाइव क्लास होती है बेटे ये yes. बोलो क्या आपने कभी भी पानी पूरी खाई है डराने नहीं वाली हूँ वरी खाई तो होगी ठीक है अब है ना हमेशा कोशिश करना कि किसी नदी के किनारे अगर पानी पूरी गोलगप्पे के ठेले हैं तो वहां से कभी नहीं खाना है ठीक है क्योंकि क्या होता है जनरली लोग जाके फीकल मैटर पास आउट करते हैं आज भी टिल डेट फीकल मैटर मिक्स होता है पानी के साथ में ठीक है गोलगप्पे वाले पीपल विल बी डायरेक्टली टेकिंग दैट वाटर इन द बकेट्स

कोलेरा डिजीज वाले इंसान का फीकल मैटर अगर पानी में मिल गया है तो भी मिल गए होंगे विब्रियो विबर बैक्टीरिया अगर हमने वहां से पानी पिया तो हमें कोलेरा डिजीज हो जाएगी ठीक है तो हम डायरेक्टली जाके तो पानी नहीं पियेंगे है ना लेकिन हम पानी पूरी जरूर खा लेते हैं आसपास से तो अब अगली बार से वो भी नहीं करेंगे ओके यहां देखते हैं नींबू ये लेमन दिख रहा है आपको समझ में आ रहा है इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रही है ये एक नॉर्मल लेमन नहीं है हेल्दी ये इनफैक्ट एक डिजीज लेमन हो गया क्योंकि बच्चों इसके ऊपर एक बैक्टीरिया का अटैक हो गया बैक्टीरिया पैरासाइट है इसके अंदर और ये कॉज कर रहा है साइट्रस कैंकर नाम की एक डिजीज साइट्रस कैंकर नाम की एक डिजीज ये कॉज कर दे रहा है ठीक है वर्स्ट वेज पीपल हैव डाइट ड्रैंक पोल्यूटेड हाँ करेक्ट यस अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो तुम लोग पहले तो हम क्लास कम से कम टेन फिफ्टीन मिनट और करने वाले हैं ठीक है थीके? तो इसलिए भागना क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि ये सब पढ़ाया जितनी भी चीजें उसके एक और बात देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ये क्या है सालमो टाइफी नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि क्या कॉज करता है टाइफाइड बच्चों टाइफाइड बहुत डेंजरस डिजीज होती है बहुत हाई फीवर आता है उसमें इंसान को बहुत ही हाई प्लस इंटेस्टाइन के अंदर यू नो परफोरेशंस भी कॉज कर देता है अगर टाइफाइड लॉन्ग टाइम तक चला तो और फिर लिवर तक भी पहुंच जाते हैं लिवर तक पहुंच गया तो फिर वो जॉन्डिस भी कॉज करवा देता है ठीक है तो एक बहुत डेंजरस डिजीज है 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 बैक्टीरिया बैक्टीरिया से 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 होती है भी। कौन से से होती कौन टाइफी ठीक है ना तो यू बैक्टीरिया की कहानी देखो यार खत्म ही नहीं हो रही है ये तो बहुत अच्छे थे अभी तक अब बहुत डेंजरस होने लग गए क्योंकि ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया की बात अपन कर रहे हैं टेटनस आपने कभी भी सुना होगा लोग ऐसा बोलते हैं लोहे से लग गई या धूल मिट्टी में गिर गए तो टेटनस के लिए सीरम लगवा के आ जाओ एंटी टेटनस सीरम ताकि तुमको टेटनस नहीं हो सुना है, ना सबने ऐसा? कि नहीं सुना है सुना तो है है ना सुना तो है सभी लोगों ने कि कि ऐसा कि यार टेटनस ना हो जाए इसलिए जाकर प्रिकॉशनरीली इंजेक्शन लगा के आ जाओ क्यों ऐसा क्योंकि सॉइल के अंदर कई बार प्लॉस्ट्रीडियम टेटनी क्या लिख रही हूं मैं यहां पर बैक्टीरिया का नाम है

पहले ही बच जाओ उसका एटीएस लगवा के आ जाओ यही बेस्ट तरीका है तो बैक्टीरिया इतने भी डेंजरस हो सकते हैं कि वो इंसान के अंदर बहुत ही डेंजरस डिजीज लाइक कोलेरा देन टैटनस टाइफाइड ये सब भी कॉज कर सकते ठीक <clears throat> है ये डिजीज का नाम रखना है क्या याद देख एक बात बताती हूँ बेटा हमें टाइफाइड टेटनस और कोलेरा का नाम तो याद रखना ही है ना क्योंकि कई बार ऐसा हमारे सामने क्वेश्चन आता है फाइंड दी ऑर्ड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू बैक्टीरियल डिजीज ठीक है तो लेकिन तुम जब ट्वेल्थ में जाओगे ना तभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में अभी हमारे सामने ऐसे आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं रेयर है. पर ये तीन के के डिजीज के नाम याद करना अच्छी बात है कर लेना चाहिए हमें ठीक है तो अब हम लोग आ चुके हैं यहां पर एन की क्विक रीडिंग में आप लोगों को करवाने वाली हूं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हम लोग यू बैक्टीरियाज में हेट्रोट्रॉफिक पढ़ रहे हैं अब हमने पहले पढ़े फोटो फिर हमने पढ़े कीमो फिर हमने पढ़े पैरासाइटिक ठीक है तो पैरासाइटिक क्या हो जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रोफोज वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन ट्रोफोज वर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन ठीक है तो डिफरेंट तरीके से अपना न्यूट्रिशन किसी और से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे तो इसलिए हम इनको बोलेंगे हेट्रो मैम आई आई सफर्ड फ्रॉम टाइफॉइड बिफोर कोविड एंड दैट टाइम आई इट वॉज समर एंड आई वॉज फीलिंग टू मच कोल्ड एंड फीवर हाँ ये एंड टाइफॉइड लिटरली कॉजेस डेंजरस सिम्टम्स एक भूख मर जाती है इंसान की बहुत अच्छा नहीं लगता बहुत गंदा लगता है लॉन्ग टाइम तक बीमार रहता है इंसान बहुत टायर्ड हो जाता है थक जाता है फिर ठीक होने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा रिकवरी बहुत लंबा है इसका देखिए

फीड करते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं तो मेजोरिटी कैटेगरी में कौन से होंगे जो कि सड़ी हुई चीजों के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं है ना ये बात तो समझ आई है ना है ना क्या कहना है बताओ ठीक है तो आप देखो यहां पर मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स आल्सो लाइक अच्छे अच्छे भी कौन से दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स

अब आती है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते है तुम्हारी तु, तु, तुम्हारी हैं अपन चलो तुम्हारे तुम्हारे क्वेश्चन आ गए बच्चों मैं बता रही हूँ तुम्हें क्वेश्चन आ गए तुम्हारे बस अब इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे पांच छह फिर हम क्लास एंड करेंगे ठीक है ये टॉपिक बस एंड हो रहा है देखो ये बैक्टीरिया क्या आप ये देख पा रहे हैं आप सबने कभी ना कभी फिजन पढ़ा होगा है ना शायद से हम लोग टेंथ क्लास में भी पढ़ते हैं इसको रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में पढ़ा होगा आप लोगों ने इलेवंथ वाले बच्चे होंगे क्योंकि मोस्टली यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि टेंथ में आप लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा

जो कि फॉरोग ग्रेजुअली डेवलप होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे हैं और एक से दो बैक्टीरिया बन गए यह प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं फिजन तो फिजन में पहले क्या होता है फर्स्टली रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगा जिसको हम लोग बोलते हैं केरियोकाइनेसिस ठीक है देन इसके बाद में होगा साइटोप्लाज्म ओके, वी विल बी सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ठीक है जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस ठीक है तो एक बार पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ केरियोकाइनेसिस हुआ फिर साइटोकाइनेसिस हुआ अमीबा नेवर डिवाइड्स इट जस्ट बिकम्स टू क्या बात है सही बात बोल रहे लेकिन अमीबा इफ डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन तो उसको हम अमर अमीबा नहीं बोलेंगे ठीक है ये बात कैसे क्योंकि अगर मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है कोई भी अमीबा तो उसके पास थोड़ा बहुत रेमिनेंट बच जाता है पिछली बार का आउट ऑफ द टॉपिक बात हा येस टेक्निकली वी विल बी सेन स्टेटमेंट दर्गेनिजम्स डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिजन जो भी ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन की मदद से डिवाइड करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं वो इमोर्टल कहला सकते हैं क्योंकि वो कभी मरेंगे ही नहीं एक से दो हो गए वही दो हैं ठीक है पहले वो एक था अब वो दो हो गए हैं है? अब वो चार हो गए हैं तो कहीं ना कहीं उनका साइटोप्लाज्म तो नेक्स्ट जनरेशन में जा ही रहा है मतलब कि वो अमर हो गए एक प्रकार से ठीक है बच्चों चलो तो अभी यह समझ में आया हमें तो ये कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ क्या मैं इसको बाइनरी फिजन बोलूं तो बाइनरी फिजन तो ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना बाइनरी फिजन कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ठीक है मैंने ऐसा बोला लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि सेक्सुअल प्रोसेस की तरह एक्सचेंज कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू तो अनदर बैक्टीरिया क्या आपने कभी ऐसा सुना टिल डेट एवर एवर हर्ड दैट नहीं हाँ नहीं सुना तो सुन लेते हैं और सुना होगा तो रिवाइज कर लेते हैं देखो ये एक बैक्टीरिया है ये डोनर कहला रहा है और ये बैक्टीरिया रेसिपी है ठीक है अब तुम मुझे बताओ एक एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं ना अब सीन क्या हुआ है कि तुम एक जानते हो कि तुम्हारे क्लास में एक बहुत खड़ूस टीचर आने वाले हैं जो कि होमवर्क चेक करेंगे <coughs> अब तुमने सोचा है मेरे पास तो होमवर्क करा हुआ नहीं है और अगर मैंने बिना होमवर्क के प्रेजेंट किया अपने आपको तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी क्लास में तो तुमने अपने फ्रेंड की कॉपी मांगी और उसके सारे नोट्स अपनी कॉपी में लिख लिए छाप मारे ठीक है ताकि तुम्हारे पास में वो होमवर्क करा हुआ दिखे अगले दिन तो क्या तुम बच गए टीचर की डांट सुनने से क्योंकि तुम्हारे को किसी और ने हेल्प कर दी जिसके पास ऑलरेडी होमवर्क करा हुआ था ऐसा है ना बैक्टीरियाज भी नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ही सेम स्पीशीज वाले बैक्टीरियाज मरे बिना कारण के तो कुछ बैक्टीरियाज जिन्होंने की अपने अंदर एक प्लाज्मिक डीएनए बना लिया है जो कि किसी प्रकार की एंटीबायोटिक से उनको बचाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है वो बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया हैं क्यों क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करेंगे उनको आप लोग को याद है वो पायलाएं निकला था आपने देखा था बहुत सारे पायला प्रेजेंट हो सकते हैं ठीक है बैक्टीरिया के प्ला, प्रोटोप्लाज्म से प्लाज्मा से एक प्रोजेक्शन बनता है उसको पायलस बोल रहे हैं तो ऐसा एक पायलस बना ठीक है ये पायलस की मदद से क्या हुआ ये प्लाज्मा डीएनए दिख रहा है आप लोगों को प्लाजमेट डीएनए की कॉपी बनी पहले तो एक स्ट्रैंड बन के देखो ये एक और ये दो होने वाले हैं मतलब ये डिवाइड कर रहा है प्लाज्मेट डीएनए की कॉपी बन रही है और वो डीएनए की कॉपी इस पाइलस से ट्रांसफर होके जिसके पास नहीं है उसके पास जा रही है तो क्या ये एक प्रकार का डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर हुआ बोलो क्या ये एक प्रकार का डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर हुआ है ना के नहीं हुई है? बताओ हुआ डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर हो गया इज इंटेड सो ये डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर हो रहा है प्लाजमेट डीएनए का फ्रॉम द डोनर जिसके पास में ऑलरेडी एफ है टू द जिसके पास में एफ प्लाजमेट नहीं है कंजुगेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं कंजुगेशन कंजुगेशन का मतलब होता है इट इज अ काइंड ऑफ और टाइप ऑफ डायरेक्ट डीएनए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म In the which like a in ऐसा लगता है कि ये जैसा है ठीक है तो आप दोनों बन क्या अब तुमसे तुम नोट्स बना के नहीं लगे थे टीचर की डांट से बचने के नोट्स कॉपी कर लिए किसी के तुम्हारे पास रातों रात फोन आता है किसी का यार प्लीज नोट्स दे दे यार तेरे पास है क्या तो तुम दे दोगे ना उसको ठीक है क्योंकि तुम चाहते हो कि बच जाए लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो और तुम सोचते हो कि इसको अच्छी डांट पढ़नी चाहिए कल तो फिर तुम नहीं दोगे लेकिन ये की बात अलग है हेलो बच्चों जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वॉर्म वेलकम टू द क्लास आप लोगों को मेरे पूरे जो भी क्लास के स्केड्यूल्स हैं हैं जो है, वो सब कम्युनिटी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं ना यस इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर डेफिनेटली वेयर द कॉपी ऑफ द डीएनए इज गोइंग फ्रॉम वन डोनर टू वन बैक्टीरिया ठीक है चलो लास्ट ऑफर से लास्ट पैराग्राफ का अपन रीड मार रहे हैं यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट क्लास से प्रोटेस्टा चालू करेंगे कि किसके स्पोर्ट्स वाले के टेटनेस वाला बैक्टीरिया जो था वो सॉइल में प्रेजेंट था स्पोर्स के फॉर्म में जैसे ही किसी इंसान को चोट लगी और ब्लड का कॉन्टेक्ट हुआ सॉइल से तो वो बैक्टीरिया बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है तो रिप्रोड्यूस करेंगे पहले तो फिजन से कुछ स्पोर्स बना के रह सकते हैं और कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं बाय ऑफ रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन नहीं है ये एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह नजर आने वाला कुछ है बाय अडोप्टिंग टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्जुगेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन ठीक है बच्चों <coughs> yes no. क्लास एंड हो रही है

तो है माइको हम माइको को बोलते हैं पीपीएलओ प्लूरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ये स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है इनका साइज डायमेंशन होता है पॉइंट थ्री माइक्रॉन के बराबर और ये एन एरोब्स होते हैं फैकल्टेटिव एन एरोब्स होते हैं मतलब कि ये एन एरोबिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो कर सकते हैं ठीक है चलो तो अगर हमारा इतना इतना हो गया है क्वेश्चन लगाते हैं ये देखो माइक्रोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल्व दे आर स्मॉलेस्टिंग सेल्स वे कैन सर्वाइव विदाउट ऑप्शन और ये डिजीज कॉजिंग भी होती क्वेश्चन टाइम नाउ विल नॉट बी वेटिंग विल बी फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स आई वॉन्ट दाउ बट इज इंट वायरस द स्मोलेट बट वायरस इज नॉट लिविंग नीटन वायरस विल नॉट बी काउंटेज लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस इट डज नॉट हैव सेल मेमरीन राइट दिस इज द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोप्लाज्मा ठीक है येस ग्रेट मैम मीडियम इंग्लिश में समझाइए ठीक है बेटा अगली क्लास से मैं थोड़ा सा कम इंग्लिश का इस्तेमाल करूंगी मेरे पास आज में ये फीडबैक आया था कि कम इंग्लिश बोली थोड़ा सा ओके फर्स्ट क्वेश्चन द प्रिमेटिव प्रो केयट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्राम द ड ऑफ अर ह्यूमन एंड एनिमल इंक्लूड्स वॉट जल्दी बता दो यार कमेंट <coughs> quick, 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 quick. पड़ा पड़ा देवी का देवी ने आंसर किया है बेटा। सब बच्चों को आ गया ये तो ग्रेट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है जहां पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बैक्टीरिया मेनली डिवाइड बाई बाइनरी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूसर स्पोर्स कौन आंसर करता है इसको नहीं गलत आंसर कर रहे हो डी क्या बात है देव की देवी सेकेंड टाइम करेक्ट आंसर वेरी क्विकली नाइस ग्रेट परफॉर्मेंस अगेन इट विल नॉट बी सेल सेलवॉल क्योंकि वो तो प्लांट सेल्स में होती है इनके पास में सेलवॉल जो होती है वो और लिपोपोलीसेट की बनी होती है थर्ड क्वेश्चन माइक्रोप्लाज्मा बताओ आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन दैट कंप्लीटली लैक्स सेलवॉल आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन देन वन ऑप्शन करेक्ट क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन में येस बचो क्विकली से दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज दर्ड क्वेश्चन फॉर द डे वेरी गुड अदिति वेरी क्विक आंसर नाइस नाइस अटेम्प्ट इट विल भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट बिकॉज ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट एक्चुअली राइट ये कंप्लीटली हैं है और ये है। है? याद करें कि नहीं तब तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिया है जो डिजीज वाला है देखो क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करो कौन से ऑर्गेनिक organ... कौन से डिजीजेस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज रहे यहाँ पर देखते कौन बच्चे सही लगाएंगे इसको <clears throat>

ज द लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली और क्वेश्चन लेके आई थी मैं चलो पांचवा एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं यार फटाफट से क्यों टाइम वेस्ट करना है फिर मेरे नौ बजे वापस से क्लास है तुम लोग आ जाना सभी लोग अगर तुम्हें ट्वेल्थ का कंटेंट पढ़ना है तो अगर इलेवेंथ के बच्चे हो तो कोई जरूरत नहीं आने की ठीक है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ए बी सी डी दिख रहा है देखो डायग्राम के क्या बताते हैं बच्चे ये yes. री गुड वेरी गुड क्विक आंसर नाइस अटेम सो इट विल पहले वाला जो है हमारा गोल गोल दिख रहा है, है ना मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बताई थी मॉडिफिकेशन का का होता है कॉमा शेप का तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी इसमें कंफ्यूजन नहीं यहां पर आपको रॉड दिख रहा है क्लियरली और ये कॉमा दिख रहा है स्पेशली डिफरेंट है दोनों है ना वेरी गुड डी है तो कॉकस वैसल ठीक है? So by this, हमारा ये सेशन कंक्लूड हो गया है अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्लास एंड होने के पहले तुम लोग जब जा रहे हो प्लीज कमेंट में लिख दिया करो कुछ अच्छा सा कि क्लास समझ में आई है कि नहीं पहली बात, सेकेंड थिंग आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर देना है सब बच्चों को अगर कुछ ज्यादा ही स्पाइरल बैक्टीरिया है तो उसका क्या नाम है ठीक है ये कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स मुझे लिख के जाएंगे अगर कुछ ज्यादा ही स्पाइरल बैक्टीरिया है तो उसका क्या नाम है ठीक है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब वेदांत टू नीट मेड इजी थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टे ट्यून बाय एवरी